हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ग्राफी विधि से युगपत समीकरण का हल इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, समीकरण दिया गया है कि 5x - y + 8 = 0। एक समीकरण दिया गया है 5x - y + 8 = 0, और एक समीकरण दिया गया है 7x - 6y - 9 = 0। हमें इसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए, ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सारणी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे समीकरण एक के लिए। तो समीकरण देख रहे हैं, समीकरण एक है 5x - y + 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y की वैल्यू। तो देखिए, y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, ये हो जाएगा y बराबर 5x + 8 आ जाएगा। हम y को बराबर के उधर कर देंगे तो देखिए 5x + 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x के स्थान पर हम 0 लिख देते हैं। अगर हम मान लें कि x बराबर 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं, तो y बराबर 5 × 0 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। y का मान 8 आ गया। इसी तरह से अगर हम x का मान हम कुछ भी मान ले सकते हैं, तो हम x का मान -1 लेते हैं। अगर -1 लेते हैं, देखिए आ जाता है यहाँ पर, ये माइनस हो गया, माइनस में से 8 घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, -5 और 8, -5 में से 8 निकल गया, आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। इस तरह से इसके दो निर्देशांक हो गए कौन कौन से, एक हो गया 0, 8 और दूसरा हो गया -1 और 3। इसी तरह से हम समीकरण दो के लिए भी कर लेंगे। तो देखिए, समीकरण दो है 7x + y - 9 = 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x और y का मान, यहाँ पर देखिए क्या होगा, y का मान यहाँ पर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कि 9 - 7x, हम इसको लिख सकते हैं 9 - 7x। अब x का मान हम यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो आ जाएगा, ये देखिए 9 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा x का मान 1 और y का मान आ जाएगा 2। इस तरह से इसके दो निर्देशांक हमने ले लिए, एक हो गया 0, 9 और एक हो गया 1 और 2। इस तरह से हम निर्देशांक निकाल लिए। निर्देशांक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनको ग्राफ पर प्लाट करेंगे। तो ग्राफ पर प्लाट करने के लिए, अगर आप को सुविधापूर्वक अगर ग्राफ पेपर मिल जाए तो आप उसको ग्राफ पेपर पर करेंगे, अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो आप अपने कॉपी पर ही थोड़ा ग्राफ के आकार का एक बनाएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक यक्स और यक्स अक्ष, यक्स यक्स डैश ले लेंगे और एक ले लेंगे वाई और वाई डैश, इस तरह से बना लेंगे। तो इसमें आप जानते हैं कि ये चार चतुर्थांश होता है, एक होता है प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धन धन होते हैं, मैंने एक्स और वाई दोनों धन होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है, माइनस एक्स होता है और प्लस वाई होता है। और तृतीय चतुर्थांश में यक्स और वाई दोनों माइनस होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में यक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लाट करना है। तो आप ग्राफ कैसे प्लाट करेंगे, तो देखिए आपको सभी मान मिल गए हैं। तो आप समीकरण एक के लिए पहले देखिए, इसमें देखिए 0, 8, तो आप क्या करेंगे, यक्स पर 0, तो देख रहे हैं यक्स पर 0 हो गया है, और वाई पर 8, वाई पर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये एक निशांक आपको मिल गया। इसको आप इस तरह से रिंग कर देंगे या उसको घेरा कर देंगे और वहाँ पर इसका निशांक लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप इसको लिख सकते हैं 0 और 8, इस तरह से इसका निशांक हो गया। दूसरा देखिए है -1 और 3, तो -1 देखिए -1 हो गया और 3 हो गया वाई पर, तो -1 और 3 देखिए ये निशांक हो रहा है। तो इसके सिर में आप क्या करेंगे, एक यहाँ इसके सिर में एक ऐसे एक पॉइंट लेंगे और इसको इस तरह से रिंग कर देंगे और इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका ये क्या है, ये हो गया -1 और 3, इसे -1 -1 3 लिख देंगे। अब आपको इन दोनों रेखाओं को मिला करके एक सीधी रेखा खींचना है, तो आप स्केल से ऐसे इसको सीधी रेखा खींच सकते हैं, ऐसे स्केल लेंगे और स्केल लगा करके आप इस तरह से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा अनंत होती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, आप इस तरह से खींच करके इसको तीर से दिखा देंगे और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इस रेखा का नाम आपका जो पहला समीकरण है, तो पहला समीकरण आपका है कि 5x -y+8=0, ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह अब आपको दूसरा भी बनाना है, दूसरा देखिए 09 है, तो 09 आप कहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं इसी पर जाएंगे और ये यहीं कहीं आ रहा है, चलिए हम यहीं पर इसको लिख देते हैं, ये हो गया 09, इसे लिख देंगे 09 हो गया। और एक है देख रहे हैं 1, 2 एक्स पर 1 है और y पर कितना है, 2 है, तो ये देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, ये देख रहे हैं ये यहाँ पर मिल रहा है, तो आप इसको इस तरह से इसको लिख दें कितना, ये हो गया 1 और 2, इस तरह से देख रहे हैं। इसको भी आपको मिलाना है, तो इस तरह आप इसको भी मिला देंगे, तो देखिए इसको हम ऐसे मिला देते हैं, आप स्केल रख करके इस तरह से आप इसको ऐसे मिला देंगे, तो देख रहे हैं ये एक रेखा इस पर भी मिल जा रही है, मिलाने में थोड़ा सावधानी रखेंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, तो इस तरह से आप इसको इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद देखिए इनको भी इस तरह से तीर से डिनोट कर देंगे दोनों तरफ, और देखिए कौन सा रेखा है, कौन सा समीकरण का है, तो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण है क्या, दूसरा समीकरण है 7x+y-9=0। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना अब आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, आशा करते हैं कि आप ग्राफ प्लॉट करना जान गए होंगे। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।